गाइस ये हमारे सामने खड़ा हुआ है पंच का बेस मॉडल। इस तरीके की आगे से कुछ लुक है, आपको ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है, हेलोजिन टाइप की लाइट मिलती है यहाँ पर हेडलाइट, ये आपके एलईडी डीआरएल्स, ये इंडिकेटर, पियानो ब्लैक में आगे फ्रंट की ग्रिल मिलती है। यहाँ पर एक जो क्रोम एलिमेंट होता है वो बेस मॉडल में नहीं है, वो आपको पियानो ब्लैक में दिया हुआ है। यहाँ पर स्टील व्हील्स मिलते हैं, बॉडी कलर ORVM, बॉडी कलर डोर हैंडल, टायर साइज आपको मिल जाता है 185/70 R15। ये एक छोटे कैप आते हैं इसमें, सिर्फ कवर व्हील कवर हमें अलग से लगवाने पड़ेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, रियर में हमको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। उसके अलावा ये आपको बॉडी की क्लैडिंग है साइड से ब्लैक कलर की, पीछे से लुक कुछ इस तरीके का है। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये चीज आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। स्टील व्हील्स। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ORVM काफी बड़े साइज का है। यहाँ पे आपको ये हार्ड प्लास्टिक है जो कि थोड़ी बीज कलर में है, ये आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है। फ्रंट पावर विंडो है, ये आपको फ्रंट सीट्स मिल रही है आपको। बेस मॉडल के अकॉर्डिंग इंटीरियर काफी डिसेंट है इसका, काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको स्क्रीन या फिर वो एनालॉग डिस्प्ले कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, टाटा से भी लगवा सकते हैं। ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिल रहे हैं। आप बीज कलर, एसी आपको मैनुअल मिलता है बेस मॉडल में। ये चीज आपकी थोड़ी अजीब सी कर रखी है इन्होंने। यहाँ पर भी आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। स्टेयरिंग कंट्रोल इसमें मिसिंग है। मीटर आपका सेम है, MID आपकी सेम है। फ्रंट की दो पावर विंडो यहाँ पे आपको मिल रही हैं। नीचे डेड पेडल दिया हुआ है, बीच में 12 वोल्ट का सॉकेट, कप होल्डर, हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट इसमें नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिल रहे हैं आपको, ये आपको नॉर्मल चाबी वाला सिस्टम मिल रहा है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है यहाँ पे, बॉडी कलर में नहीं है। ये चीज आपका ब्लैक में मिल रहा है, डोर हैंडल और ORVM ब्लैक में। अच्छी चीज ये है कि ये इंडिकेटर यहाँ पर ही दिया हुआ है, फेंडर में नहीं दिया हुआ है। अपना फ्रंट डोर पियानो ब्लैक में, डोर हैंडल, आगे के दो पावर विंडो, डोर पॉकेट्स बॉटल वगैरह रखने के लिए, ट्विटर और स्पीकर की जगह मिल रही है लेकिन वो लगे हुए नहीं मिलेंगे। ये आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका मोड चेंज करने के लिए इको या सिटी में, स्पोर्ट्स मोड पंच में नहीं आता है। हाइट एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं है इसमें। सीट आपको प्लेन मिल रही है, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बेस मॉडल के हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। पीछे आपको ये शीशा ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअल सिस्टम मिल रहा है। पीछे का स्पेस डिसेंट है, अच्छा खासा लेग रूम आपको मिल रहा है यहाँ पर, हेड रूम भी इनफ है। बेस मॉडल पार्सल ट्रे मिल रही है, ये अच्छी बात है। स्पीकर के लिए ये खाली जगह दी हुई है स्पीकर की, फोन रखने के लिए जगह है, वो आपका पावर सॉकेट हो गया 12 वोल्ट का। यहाँ पे आपका कप होल्डर और पीछे से इस तरह की कुछ लुक है। ये हो गई आपकी लाइट। वैसे ये था एक पंच का वॉक अराउंड रिव्यू। थैंक यू।